चंद्रपुर नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने सुना कि नगर में किसी को कोरोना हो गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रपुर के वार्ड नंबर 8 में आयशा लाज में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे विदेश से लौटकर आए एक शख्स का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। चंद्रपुर नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चंद्रपुर के लोगों ने सुना कि उनके नगर में किसी को कोरोना हो गया है और जांच में वह पॉजिटिव आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रपुर के वार्ड नंबर 8 में आयशा लाज संचालित है, जिसको शासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को रखा जा रहा है। यह क्वारंटाइन सेंटर कई महीनों से यहां पर संचालित हो रही है। इस सेंटर में कुल 7 से 8 लोगों को ठहराया गया था, जिसमें एक युवक जो पास के गांव का बताया जा रहा है, जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटकर होम क्वारंटाइन में लाज में रुका हुआ था, जिसका सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाहर भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को आया और उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, जिस पर शासन हरकत में आते हुए डभरा SDM पी अंचलावा तहसीलदार भोज कुमार डहरिया ने कमान अपने हाथों में लेते हुए तत्काल चंद्रपुर पहुंचकर उक्त युवक को जिला अस्पताल जांजगीर चांपा भेजवाते हुए तत्काल उक्त जगहों को सील करवाने का आदेश देते हुए वार्ड के सभी लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई। चंद्रपुर में नौ पदस्थ थाना प्रभारी रजत नाग भी अपने दल बल के साथ उक्त जगह का मुआयना करते हुए इस रास्ते में अपने पुलिस प्रशासन के जवानों को तैनात किया गया है तथा सुरक्षा के एहतियात से सभी को शासन के गाइडलाइन की जानकारी दी गई। चंद्रपुर नगर में कोरोना पॉजिटिव का यह पहला मामला है। इससे पहले कई जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जहां पर सभी प्रवासी मजदूरों की छुट्टी कर दी गई है। उन जगहों पर किसी का भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया था। एक पेड क्वारंटाइन सेंटर था, वहां पर एक प्रकरण कोरोना पॉजिटिव निकला है और ये विदेश से आए हुए थे, तो इनको आए हुए लगभग 4-5 दिन ही हुए थे, उनका कोरोना पॉजिटिव आया है और इनको इलाज के लिए जांजगीर कोरोना COVID-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। सर, इसके लिए बैरिकेड का क्या हाल चाल है सर? बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद जो कंटेनमेंट एरिया घोषित कराने के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया गया है। शीघ्र ही जिला स्तर से कंटेनमेंट एरिया भी घोषित होगा, तदनुसार यहाँ पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बैरिकेड कितना दिन तक रहेगा? अब इस संबंध में करीब करीब 14 दिन तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जैसे आगामी आदेश तक जब भी हो उतने समय तक हम लोग बैरिकेडिंग को रखेंगे। ठीक। चंद्रपुर से कमल अग्रवाल की रिपोर्ट, ACN 24।